अब पहली बात तो ये समझ लो कि सुख हकीकत में है क्या। हाँ, इसमें भी बड़ी भ्रांति है साहब। हमको लगता है कि ये जो हमारी इंद्रियों से हमको जो सुख मिल रहा है हकीकत में वो सुख है। नहीं, ये सुख इंद्रिय जन्य है, इसलिए इंद्रियों के नाश होने पर वो सुख भी चला जाता है। संसार में प्राप्त कोई भी सुख जो बाहर से प्राप्त हो रहा है, ध्यान देना, वो तुम्हें बाहर से तो सुखी कर सकता है, भीतर से नहीं। और जब तक तुम भीतर से सुखी न हो जाओ, तब तक बाहर का लाख सुख भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है। इसलिए हकीकत में सच्चा जो सुख है वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। और भीतर का सुख क्या है, भगवान राम ने बताया लक्ष्मण जी को, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होही अनुकूल। भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, गोविंद की भक्ति, राघव की भक्ति, यही सुख का मूल है। संसार में जो सुख तुम्हें मिल रहा है ना, वो हकीकत में दुख का अच्छा स्वरूप है। वो हकीकत में है दुख, क्वांटिटी का सिर्फ फर्क होता है। क्वांटिटी बढ़ी तो वो सुख ही दुख में बदल जाता है।